हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। सो मेष राशि वालों के लिए वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आप काफ़ी अपनी एंथुजियास्टिक वाली एनर्जी में आते हुए स्टेप इन करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना। आपका मार्स का जो प्लैनेट है, जो मार्स है वो आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने आप को कैसे जस्टिस देना है, यूनिवर्स आपको काफ़ी जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं। ओके, इट्स ऑल्सो आई डू फील कि आप बहुत अटेंटिव होते हुए दिख रहे हो। आपके आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ को लेकर अटेंटिव रहना, आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन आपसे आके बात करना चाह रहा है, किस मतलब से ये इंसान बात करना चाह रहा है, या फॉर दैट मैटर कोई भी, उन सब चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल दिख रहे हो। उन चीज़ों को लेके आप बहुत अटेंटिव होते हुए दिख रहे हो। एंड जितना आप अटेंटिव होगे उतना ज़्यादा आप अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में बाहर आओगे, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी बाहर आएगी। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए तो एक चॉइस आती हुई दिख रही है। अब ये जो चॉइस है वो ये है कि आप अपनी फैमिली को चूज़ करोगे या आप किसी टेम्पटेशन को चूज़ करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये एक पार्टनर वर्सेस योर फैमिली है, या कुछ ऐसे डिसीजन जहाँ पे आपकी फैमिली कुछ और बोल रही है और आपका जो मन है वो कुछ और बोल रहा है, तो उस चीज़ के अंदर एक क्लैश क्रिएट हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे कोई क्लैश आ सकता है कि फैमिली कुछ और बोल रही है, आप कुछ और चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपनी फैमिली की सुननी चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पार्टनर। तो जब हम एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हैं तो वो पर्सन हमारी लाइफ में कभी भी अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं लेके आता, वो हमारी लाइफ में सिर्फ पेन और सफरिंग्स और लेसन्स ही लेके आएंगे। ठीक है, आप कुछ बहुत नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। टॉरस, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। सो मिथुन राशि वालों के लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो आई डू फील कि या तो आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है या आप किसी को डिसअपॉइंट कर सकते हो। आई डू फील कि एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होना जहाँ पे शायद से आप एक पर्सन को काफ़ी लाइटली ले रहे थे और अब शायद से ये पर्सन आपको काफ़ी लाइटली ले रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। जहाँ पे जो चीज़ पहले आप कर रहे थे, कॉर्डियल रहना, हमेशा खुश रहना, हमेशा लाइट एनर्जी रखना और ये सब चीज़ें, वही अब वो पर्सन आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं। एंड नॉट बिकॉज वो रिवेंज के तरीके से कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं, उनका मन कर रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है जब ये पर्सन ऐसा पहले नहीं था। तो ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि। सो कर्क राशि, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन चल रहा था जहाँ पे आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, तो वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वहाँ पे एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। आप एक ऐसी सिचुएशन को चूज़ कर रहे हो या आप एक ऐसी जर्नी को चूज़ कर रहे हो जहाँ पे आप स्टेप इन करने से बहुत डरते थे, ठीक है, कि अगर मैं ये करूँगी या करूँगा तो शायद से ऐसा हो सकता है। एक फियर रहता था, एक कॉन्स्टेंट फियर रहता था फ्यूचर को लेके, या अगर मैं ऐसा यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी तो ऐसे आउटकम आ सकता है, तो वो फाइनली आप फियर हटा रहे हो, आप एक चांस लेते हुए दिख रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या होता है, उस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। और उसके अंदर आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलेगा, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या आपके प्रोफेशनल लेवल पे हो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पे आप थोड़े से इमोशनली मैच्योर बनो, बिकॉज इट्स लाइक अगर आपको कोई कैंडी दिखाएगा ना, तो आप, कोई चोर आएगा वो आपको कैंडी दिखाएगा, आप कैंडी लेके खा जाओगे, उस टाइप की एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नॉट हर चीज़ में, हर आपके सिचुएशन में, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप विजडम से काम नहीं करते हो, जहाँ पे आप समझदारी से काम नहीं करते हो। आपको कोई कुछ भी ऐसी चीज़ दिखा देगा जो आपको बहुत पसंद है, आप उस इंसान के हो जाओगे। ओके, तो
ये वो टाइम है जहाँ पे आपको अपनी मैच्योरिटी में आने की नीड है, इमोशनली मैच्योर बनने की नीड है, कि हर कैंडी का मतलब ये नहीं है कि वो कैंडी ही होगी, कैंडी के नाम पे वो जहर भी हो सकता है. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड अबाउट योर लाइफ. अब वो पार्टनर के थ्रू हो, वो आपके दोस्तों के थ्रू हो, सिचुएशन में किसी लाइफ में किसी भी सिचुएशन के थ्रू हो. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि यानी कि वर्गो. सो कन्या राशि वालों के लिए एक टावर मोमेंट आता हुआ दिख रहा है, और ये जो टावर मोमेंट है वो कहीं ना कहीं ये है कि जिस चीज़ को आप बहुत, लेट्स से कि आप एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आप बहुत पसंद कर रहे थे, अट्रैक्शन के बेसिस पे थी, यू नो फिज़िकल अट्रैक्शन था, ये था वो था, पैशनेट एनर्जी थी, बट कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन को लेके कम्प्लीटली इमोशनल हो रहे हो. ठीक है, आप बहुत फैमिली वाली अप्रोच के साथ इस पर्सन को देख रहे हो, इस पर्सन के साथ ऐसी फैमिली बितानी है, उस पर्सन के साथ ये करना है वो करना है. तो जो आपके अंदर पहले अट्रैक्शन था सिर्फ, वो चेंज हो रहा है इनटू समथिंग कंसर्निंग. ठीक है, मैं एकदम लव लव तो नहीं बोलूँगी, बट एक सॉफ्टनेस आ रही है, एक केयरिंग एनर्जी है जो आती हुई दिख रही है. एंड ये आपको थोड़ा सा, आप खुद शॉक हो सकते हो अपनी इस फीलिंग से कि ये एकदम से क्या हो गया, यू नो इस टाइप का कुछ होता हुआ दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि. सो तुला राशि वालों के लिए वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. अपने आप के साथ सेल्फ डिसेप्शन मत करना. अपने आप के साथ सेल्फ डिसेप्शन इन द सेंस कि साइकोलॉजी में एक टर्म होता है इड ईगो. ठीक है, अब जिन बच्चों की, जब हम बच्चे होते हैं बचपन में, जब हमारी कुछ ऐसी विशेज होती हैं जब पूरी नहीं हो पाती, या हमारे माँ बाप जो है हमें बहुत बिगाड़ देते हैं हर चीज़ दे के, तो हम बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं. ओके, और वो जो हमारी स्टबनेस होती है वो हमारी एडल्टहुड में भी आती है. तो वो कैसे आएगी, अच्छा इसने ये नहीं किया इसको तो मैं बताता हूँ, अच्छा इसने ये नहीं किया मैं तो मम्मी से बात ही नहीं करूँगा, स्टफ़ लाइक दैट, यू नो. तो आप बहुत स्टबन बनने लग जाते हो, आप बहुत रिजिड बनने लग जाते हो, आपकी एक ऐसी ईगो डेवलप हो जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप कुछ मांग रहे हो तो आप सही मांग रहे हो. ओके, आप कुछ कर रहे हो तो आप सही ही कर रहे हो. तो इस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जिसको लेके आपको थोड़ा सा अवेयर होने की नीड है, बिकॉज दिस लीड्स टू सेल्फ डिसेप्शन. आप अपने आप को डिसीव करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ की सिचुएशन से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे आप भागते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आपको एक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन नहीं मिल रहा. ओके, सो उसकी एक एनर्जी मुझे लग रही है जो नेक्स्ट 24 आवर्स में रह सकती है. लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. सो वृश्चिक राशि वालों के लिए आई डू फील कि आपके काम के अंदर, आपके करियर के अंदर आपको कुछ आज विक्ट्री मिल सकती है, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, आपका एक नया सोर्स जो है, नॉट इनकम का बट कुछ एक ऐसी सोल्यूशन अप्रोच दिख रही है, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिख रही है जो खुलती हुई दिख रही है आपके सामने, एक किसी प्रॉब्लम को लेके कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है. ओके, सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहेंगी, अपने काम में काफ़ी सक्सेसफुल फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने वाले हो. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि. सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द मून. तो धनु राशि के लिए यानी कि सैजिटेरियस के लिए आई डू फील कि आपके पास कोई रोमांटिक एनर्जी आती हुई दिख रही है, या आप जाते हुए दिख रहे हो, रोमांस वाली जो एनर्जीज हैं वो स्ट्रांग होती हुई दिख रही हैं. बट एट द सेम टाइम मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे एक, यू नो, एक स्ट्रेसफुल, सीवियर स्ट्रेस वाली सिचुएशन है. इट्स लाइक जब हम किसी से प्यार करते हैं बट हमें पता है कि हम इस इंसान के पास नहीं जा सकते. ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, टाइम, फैमिली, आपकी खुद की चॉइसेस, आपके खुद के गोल्स, वट एवर इट मे बी. तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दो लोग हैं जो पास आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द पर्सन नोज कि आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता. तो वो एक सिचुएशन जो है, वो एक सिचुएशन डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करता हुआ दिख रहा है. ओके,
लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि. सो मकर राशि वालों के लिए काफ़ी हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी है. ठीक है, आप गिविंग करते हुए दिख रहे हो, आप रिसीविंग करते हुए दिख रहे हो, आपके अंदर एक वो डर नहीं है कि ये इंसान मेरा हार्ट तो ब्रेक नहीं कर देगा, ये इंसान मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, ये इंसान मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा. आप अपने आप में काफ़ी सैटिस्फाइड दिख रहे हो, अपने आप में काफ़ी सेफ दिख रहे हो कि खुश रहना, अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करना, अपनी खुशियों को खुद ढूंढना, उस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है. ठीक है, और जब वो एनर्जी होती है ना, देन वी हैव नथिंग टू लूज़. हमारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता जहाँ पे हमें डर हो कि ये चीज़ या ये इंसान मेरी लाइफ से ना चला जाए, यू नो. तो वहाँ पे आपकी एक अपनी खुद की इंडिपेंडेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है, और वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से, बहुत ब्यूटिफुल तरीके से. लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. सो कुंभ राशि वालों के लिए कोई एक ऐसी बर्डनसम सिचुएशन, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. आप जो कहीं ना कहीं आपके रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो आपकी, आप देखोगे कि आपकी फैमिली में वो चीज़ होती आई है, आपकी फैमिली में कोई ऐसी परंपरा या कुछ ऐसा रिचुअल है जो आपको निभाना ही है, जो आपको करना ही है, उस टाइप के अंदर कुछ या तो आपको सोल्यूशन मिलेगा या उसके अंदर आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है. जो इंसान आपको कोई, हो सकता है बड़ा आपकी फैमिली में आपको कोई गाइड करे रिलेटेड टू दिस सिचुएशन, रिलेटेड टू समथिंग विच हैज़ बीन गोइंग ऑन इन योर फैमिली फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली एक सही गाइडेंस, एक सही अप्रोच के साथ आपको एक सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, अगर कुछ ऐसा होता है तो. लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में. बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा. तो आई वुड से लाइक ये आपके लिए एक सजेशन है कि जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत एक्सट्रीम, तो उस चीज़ को कंट्रोल में लाना बहुत आसान नहीं होता. सो इंस्टेड ऑफ मेडिटेटिंग और एनीथिंग, रनिंग करो. ठीक है, अब थोड़ा काम आज आप एक्स्ट्रा कर सकते हो. अगर आप एक्स्ट्रा आज आप काम करते हो, आप थकोगे नहीं, आपको इतना थकावट फील नहीं होगी. ओके, और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपको थोड़े से अर्थ वाले फूड खाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से पोटैटो हो गया, लेट्स से गाजर हो गई, ये सब चीज़ें जो है ये आपके बॉडी को काफ़ी बैलेंस्ड रखेंगी. ओके, सो दैट इज़ देयर. एंड ऑल्सो मुझे साथ में एक ये भी एनर्जी लग रही है कि आपकी ना कुछ एक लक फैक्टर भी मुझे दिख रहा है. ठीक है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इस बार ये चीज़ मेरे फेवर में टर्न हो जाएगी. तो उस चक्कर में, उस जोश में आपको होश नहीं होना है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है. ओके, दैट इज़ इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें.